क्या आपको पता है ये जो एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन होती है इस पे नेक कैसे बनाते हैं? तो आज के इस वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल वे में आप कैसे इस नेकलाइन को बना सकते हैं और साथ में इस पे कॉलर कैसे अटैच की जा सकती है, वो भी आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आयशा। हे गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल नीरिल गर्ल। इस वीडियो पे हम लोग हाफ कॉलर कैसे अटैच करते हैं वो सीखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इस राउंड नेकलाइन को बनाएंगे। तो इस नेकलाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग ले ली है और इस तरह से फैब्रिक पे चिपका लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई और लंबाई लेना है वो आपको नेक विड्थ और नेक लेंथ के अकॉर्डिंगली लेना है। ये देखिए, नेक विड्थ हमारी 6.5 इंच है, तो मैं इसे रेडी 6 इंच पे रखूँगी। और इसकी जो लेंथ है, यहाँ से देखिए 6.25 इंच तक मैं इसके लेंथ रेडी करने वाली हूँ। 6 इंच हमारी नेक विड्थ रहेगी, मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और लंबाई में भी देखिए 6.25 इंच की नेक है, मैंने यहाँ पर 3.25 इंच एक्स्ट्रा ली है। अब इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर को इस तरह से निकाल लेंगे और सेम ऐसे ही कुर्ती को भी फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक कट्स लगा लेंगे। अब इसे खोल लेना है। अब इसके ऊपर आप पेस्टिंग को इस तरह से रखेंगे, पेस्टिंग वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। उससे पहले पिन से इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। अब इसे आपको पलट देना है। अब देखिए हमारी ये सिलाई लग गई है, मैंने थोड़ा सा ऊपर तक लगाया है इस सिलाई को। अब इस पे हम लोग सिलाई लगाएंगे तो ये नॉर्मल राउंड नेक बन जाएगी, लेकिन हमें इस पे कॉलर अटैच करनी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से 3 इंच और फिर इस तरफ से 3 इंच पर आप मार्क करेंगे और बस यहाँ से यहाँ तक आपको सिलना है। ये जगह हम लोग छोड़ देंगे। अब इसको पलट लेना है, पिंस को भी निकाल लेना है। अब इस स्लाइस से हम लोग इस तरह से 1.25 इंच मार्जिन लेते जाएंगे, इसे शेप दे देना है। नीचे से पेस्टिंग को इस तरह से उठाकर कटिंग कर लेना है आपको। अब इसे हम लोग इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिल लेना है, सिर्फ ये वाली पार्ट को। तो ये देखिए, हमने इस किनारे को इस तरह से मोड़ लिया है। अब हम लोग यहाँ से मार्जिन रखते हुए थोड़ा सा नेक को कटिंग कर लेंगे। अब इस पे आप छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से, सिलाई पे कट्स नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखें। अब आपको बिल्कुल यहाँ पर जहाँ से सिलाई खुली हुई है वहाँ पर ऐसे सीधा कट्स लगाना है, इस तरफ भी और इस तरफ से भी। अब इसे हम लोग पलटेंगे इस तरह से, ये वाले इसको पूरा आप ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी नेक बन गई है और यहाँ पर जो खुला हुआ है इसे हमें फिलहाल के लिए हम लोग कच्ची सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हमने फ्रंट नेक बना ली है, पूरी कंप्लीट हो गई है फ्रंट नेक। अब हम लोग चलते हैं बैक नेक की तरफ। बैक पार्ट हमने ले लिया है। बैक पार्ट में बस आपको क्या करना है, इस तरह से आप जितने नेक विड्थ है उतना आप मार्क करो 3 इंच। उसके बाद यहाँ से लंबाई में बस थोड़ा सा 1.25 इंच के जैसे आपको ऐसे मार्क करते हुए इसको ऐसे, और इसकी कटिंग भी हम लोग कर लेंगे। अब इसको खोल लेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखना है, उल्टा सीधा का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको शोल्डर ज्वाइन कर देना है। शोल्डर को हमने ज्वाइन कर ली है। अब इसे खोल लेते हैं और ऐसे सीधी तरफ कर लेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमने बैक नेक में थोड़ा सा कर्व दिया है, डाउन किया है, वो इसलिए किया है ताकि यहाँ पर कॉलर अच्छे से बैठे और फिनिशिंग बहुत अच्छी आए।
और एक चीज़, काफ़ी बार क्या होता है जैसे कि ये गला बहुत छोटा है, 6 इंच का गला है, तो काफ़ी बार इतना छोटा गला सर से नहीं गलता। इसी वजह से मैं बैक नेक पे थोड़ा सा डाउन कर लेती हूँ ताकि ये जगह थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हेड अच्छे से निकल पाए। अब इंची टेप से आपको इस तरह से यहाँ से नापना है। ऐसे नापते हुए आप जाएं, बराबर से सही से नापें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, तो आपको बिल्कुल आराम से सही से नापना है इसे। तो ये देखिए, ये 12.5 इंच आ रही, मतलब हमें कॉलर 12.5 इंच की बनानी है। तो ये देखिए, हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है, 1 इंच चौड़ी 12.5 इंच लंबी। अब इसे इस तरह से आप फोल्ड करेंगे, इस तरफ के कॉर्नर से हम लोग हल्के से कर्व शेप दे देंगे। अब इसे ऐसे खोल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा ले लिया है और इसके ऊपर आपको पेस्टिंग को किनारे से रखना है, इस तरह से 1/2 इंच छोड़कर, और आयन से इसे पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए, पेस्टिंग को हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर ली है, सीधी वाली साइड किनारे पे होनी चाहिए। अब इसे इस तरह से आप फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आपको एक सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब इसे आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए फोल्ड करना है। अब यहाँ से जितना आप सिलाई कर पाएंगे उतना छोड़कर मार्जिन फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे पूरी इसी कॉलर के शेप में। तो ये देखिए, सिलाई हमने किनारे पे लगा ली है। अब इस एंड्स को सेम वैसे ही शेप में हम लोग कट कर लेंगे। अब इसे आपको इस तरह से पलट लेना है सीधी तरफ। कॉलर हमारी रेडी है। अब मेन टास्क यही है, कॉलर को सही से कुर्ती पे बिठाना। सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको, ये देखिए यहाँ पर जो मार्जिन है उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पर मार्जिन रखें। ज़्यादा आप मार्जिन रखेंगे तो कॉलर ख़राब लगेगी, फिनिशिंग से नहीं बैठेगी। यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है आपको, इतना मार्जिन रखें कि आप सिलाई कर पाएँ, उस हिसाब से आपको मार्जिन रखना है। अब इसे इस तरह से आप फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक छोटी सी कट्स लगाएंगे, बिल्कुल छोटी सी, और सेम कुर्ती की भी सेंटर पर आपको कट्स लगाना है। उसके बाद कॉलर को आपको इस तरह से रखना है, खोलकर सेंटर टू सेंटर मिलाकर रखें, और यहाँ से हम लोग स्टिच करकर इतना ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से इतना ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको इस तरह से मिलाएंगे, बिल्कुल बराबर मिली है हमारी, यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। सिलाई करते हुए बिल्कुल आपको इस कॉर्नर पर एंड करना है, आप यहाँ पर एंड नहीं करेंगे, बिल्कुल इस किनारे पर एंड करना है। इस वाले तरफ भी कॉलर को बिठा लेंगे इस ऐसे। तो हमने कॉलर अटैच कर ली है, आप एक्स्ट्रा मार्जिन को इसके अंदर डालकर आप यहां से पूरी से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कॉलर अटैच हो गई है कुर्ती पे, और यहां पर जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको मैंने खोल दिया है। थोड़ा अच्छा फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर किनारे पे भी सिलाई लगाई है। अगर आप थोड़ा लो क्वालिटी का पेस्टिंग या कैनवस यूज़ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये सिलाई ज़रूर लगाएं, कभी अगर कपड़ा धोएंगे तो ये पलटेगी नहीं। एक चीज़ और, अगर आप कॉलर बनाएंगे तो हमेशा आपको बैक थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रखना है, 1 इंच आपको कम से कम बैक में उठा कर रखना है। वीडियो में जितनी मैंने छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट कॉलर नेक ज़रूर बना पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो पे। बाय।